हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे माँ बेटी की किचन यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको कच्चे आलू की 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी बताऊंगी। और ये रेसिपी आप कभी भी बना सकते हैं, जब कभी घर पे मेहमान आ जाए या आपको कुछ चटपटा और कुछ जल्दी खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, इसे मैं क्रश कर लूँगी। आपको सारे आलू को इसी तरह से क्रश कर लेना है। अगर आपको कभी भी जल्दी से भूख लगी हो तो आप इसको तुरंत ही बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमने सारे आलू को क्रश कर लिया है और इसे मैं 4-5 पानी से धो लूंगी। और ये नाश्ता आप अपने बच्चों के टिफिन में बना के दे सकते हो। ये बच्चों को तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ में बड़ों को ही बहुत ही मजा आता है। तो मैंने आलू को 4-5 पानी से धो लिया और यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया था और इसमें हम आलू को अच्छे से मिला लेंगे। और मैंने इसमें लहसुन, 1 गांठ लहसुन ली थी, उससे थोड़ा कम ही लिया था, और मैंने मिर्ची ली थी और इसे मैंने दरदरा कूट लिया है। तो मैं इसमें डाल दूंगी और हम अपने मसाले डालेंगे। तो पहले हम डालेंगे लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, थोड़ा सा हल्दी, और हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, और इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे अजवाइन और इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लूंगी। हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है, तो अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कम मसालों में झटपट बन जाती है। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, हम रिफाइंड ऑयल को डाल देंगे और गरम। तो यहाँ हम स्टफिंग, हम लोगों ने थोड़ा सा स्टफिंग ले लिया है, इसकी लोई करेंगे पहले और इसे उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा हम लोग दबाते जाएंगे और इसे हम डाल देंगे ऑयल में। ऐसे ही सारे स्टफिंग को हमें बनाना है। अब हम इसे ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो मेरा एक तरफ हल्का पक गया है, अब हम दूसरी तरफ उसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पका लेंगे। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप अपने घर में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। तो हमने सारे को इसी तरह से बना लिया है, मैं इसको भी निकाल लूंगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा टेस्टी टेस्टी नाश्ता तैयार है। तो बताइए कैसा लग रहा है हमारा नाश्ता, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो
तो मैं आपको ये जो नाश्ता है आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।